पुस्तक का नाम संयुक्त परिवार के संयुक्त उत्तरदायित्व ऑडियो 5। पारिवारिक दायित्वों का निर्वाह आवश्यक। परिवार के पालने में आमतौर से यह दृष्टिकोण रहता है कि किसके लिए क्या सुविधा साधन जुटाए गए। स्त्री बच्चों के लिए भोजन, वस्त्र एवं मनोविनोद के विविध पदार्थों एवं परिस्थितियों के लिए चेष्टा चलती रहती है। इसमें जितनी सफलता मिली उतना ही संतोष कर लिया जाता है कि हमने परिवार पालन का आवश्यक कर्तव्य पालन कर लिया। विचार करने पर यह दृष्टिकोण अधूरा और ओछा ही सिद्ध होता है। सुविधा साधन उतनी ही मात्रा में जुटाए जाने चाहिए जितने की निर्वाह की आवश्यक जरूरतें पूरी करने के लिए अभिष्ट है। विलासिता और अहंकारिता का प्रदर्शन करने के लिए जो भी साधन जुटाए जाते हैं वे तात्कालिक प्रसन्नता भले भी ही दे सके, उनके परिणाम अंततः बुरे ही होते हैं। विलासिता के साधनों का उपभोग करने की आदत यदि छोटेपन से ही पड़ जाए तो अनावश्यक खर्च भी आवश्यक जैसे प्रतीत होने लगेंगे और उनकी पूर्ति न हो सकने पर निरंतर दुख बना रहेगा। जीवन की पगडंडी बड़ी उबर खाबर है। कहा नहीं जा सकता कि कब किसे किस स्थिति का सामना करना पड़े। आवश्यक नहीं कि जो संपन्नता आज है वह भविष्य में भी बनी ही रहेगी। जो आज की आमदनी है वह भविष्य में भी बच्चों को उपलब्ध होती ही रहेगी। यदि घटिया परिस्थितियां सामने आई और कम खर्च में गुजारा करना पड़ा तो वे विलासी आदतें जो अभिभावकों ने लाड़ में लगा दी थी समस्त जीवन काल में दुखदायी रहेगी। अभावग्रस्तता यदि सहन न हो सकी तो वे अपराधी रीति नीति अपना लेंगे और अपना लोक परलोक दोनों ही बिगाड़ेंगे। इन दुर्गामी परिणामों पर जो ध्यान नहीं दे सकते वे ही अपने परिवार को अनावश्यक विलासी साधनों का अभ्यस्त बनाते चले जाते हैं। वे नहीं जानते कि यह लार चाव प्रकारांतर से परिवार के सदस्यों के साथ शत्रुता बरतने जैसा व्यवहार ही है। परिवार के प्रत्येक सदस्य को सुसंस्कारी बनाना गृहपति का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे आवश्यक कर्तव्य है। सद्गुणों को स्वभाव का अंग बनाया जा सके, कर्म निष्ठा में उत्साह स्थिर रह सके, ऐसे अभ्यास आरंभ से ही कराए जाने चाहिए। परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न करनी चाहिए जिनमें रहकर बालक मानवोचित सद्गुणों की शिक्षा प्राप्त कर सके और जीवन संग्राम में तैयारी के साथ उतर सके। परिजनों में ऐसी कर्मठता और साहसिकता उत्पन्न करने के लिए जिन अभिभावकों ने प्रबल प्रयत्न किए उन्हीं को सच्चे अर्थों में परिवार का पालनकर्ता कह सकते हैं। बुरी आदतों का अभ्यासी बनाकर जिंदगी भर कंटीली झाड़ियों में भटकने के लिए जिन्होंने अपनी संतान को असहाय छोड़ दिया उन्होंने प्रकारांतर से शत्रुता ही बरती। बालकों को विलासिता, अहंकारिता और उच्च श्रृंखलता बरतने के अवसर देना वस्तुतः गृह संचालन के पवित्र कर्तव्य से सर्वथा विपरीत स्तर की बात है। परिवार के सदस्यों की सच्ची सेवा उन्हें सद्गुण और स्वावलंबी बनाने में है। बाप दादों की छोड़ी संपदा से ब्याज भारे पर गुजारा करने वाली संतान भले ही आराम के साथ दिन काट ले पर उसकी प्रतिभा का स्तर लूंज पुंज ही रहेगा। जिसने कठोर कर्म क्षेत्र में उतरकर भुजबल और मनोबल को चरितार्थ करने का अवसर नहीं पाया उसे एक प्रकार से अपंग ही कहना चाहिए। पूर्वजों की कमाई पर गुजर करने वाली संतान को पराक्रम की कसौटी पर कसते हुए अपंग ही घोषित करना पड़ेगा। चिड़िया घोंसले में थोड़ा मजबूत होने वाले बच्चे को उड़ना सिखाने के लिए घोंसले से नीचे धकेलती है। बच्चा डरता है, झिझकता है तो भी वह लार प्यार की भावुकता भुलाकर उसे धकेल ही देती है। नीचे गिरते हुए बच्चा पंख खोलता है, अभ्यास न होने से वह लड़खड़ाता है तो चिड़िया सहारा देती है, लगातार साथ रहकर उसे उड़ने का अभ्यस्त बना देती है। वह जानती है कि जन्म देना या पाल देना ही नहीं बच्चे को स्वावलंबी बनाना भी आवश्यक है। यह दृष्टिकोण प्रत्येक अभिभावक का रहना चाहिए।
ब्याज भाड़े की कमाई पर परिवार के अन्य सदस्यों की सहायता पर गुजर करने की बात घर के किसी सदस्य के मन पर नहीं बैठने देनी चाहिए। सबको यह सोचने देना चाहिए कि उन्हें अपनी जिंदगी का भार स्वयं सहन करना है और अभिभावकों की सहायता से इतना भी अवसर प्राप्त करना है कि स्वावलंबन की समस्या का हल अपने पराक्रम से पूरा किया जा सके। इस प्रकार की समर्थता प्राप्त करने का उत्साह न केवल बालकों, किशोरों और युवकों में उत्पन्न किया जाना चाहिए बल्कि महिलाओं में भी वैसे ही उमंग पैदा की जानी चाहिए। उन्हें इस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि वे आड़े समय स्वावलंबी जीवन जी सके। आवश्यक नहीं कि यह उपार्जन मुसीबत के समय ही किया जाए, सुविधा संपन्न स्थिति में भी उत्पादक पराक्रम करना पड़े एवं सौभाग्य एवं गौरव की बात है। इससे दबी हुई प्रतिभा के अनेक परत उभरते हैं और निठल्ले दिन काटने वालों की तुलना में वह पुरुषार्थी हर दृष्टि से सुयोग्य एवं समर्थ बनता चला जाता है। इस प्रकार के अवसर देना वस्तुतः सुविधा साधनों से लात देने की अपेक्षा हजार गुना अधिक श्रेयस्कर है। कई व्यक्ति अपनी बहु बेटियों को गुड़िया बनाकर रखते हैं और उन्हें कोमल पर मुखापेक्षी बनाए रहते हैं, उनके लिए आराम तलबी के साधन जुटाते हैं और विलासिता के उपकरण इकट्ठे करते हैं। समझा जाता है कि उन्हें यह सुखद सौभाग्य मिल रहा है, पर वस्तुतः यह सर्वदा उल्टी बात है। परावलंबी अनुदान पाकर संभव है किसी को शारीरिक सुविधा या मानसिक प्रसन्नता मिलती भी रहे, पर आत्मा का पतन ही होता रहेगा। जब तक किसी को यह अनुभव न हो कि वह आत्मनिर्भर है, समर्थ एवं सुविकसित है, तब तक उस गौरव की अनुभूति नहीं हो सकती जो मानवी अंतःकरण को संतोष देने की दृष्टि से नितांत आवश्यक है। न केवल आर्थिक क्षेत्र में वरन ज्ञान अनुभव के क्षेत्र में भी परिवार के हर सदस्य को इस योग्य बनाया जाना चाहिए कि वह सामने आने वाली प्रत्येक समस्या का सही स्वरूप समझने और उन्हें हल करने में अपनी बुद्धिमता के सहारे ही समर्थ हो सके। विद्या अध्ययन, विचार विनिमय, अनुभव एवं विविध विषयों की विस्तृत जानकारी के अभाव में मनुष्य की समझ कूप मंडूक जैसी बनी रहती है। स्वतंत्र चिंतन की नीड़ छीर विवेकी की उसमें क्षमता ही नहीं होती। जो पक्ष सुझा दिया जाता है उसी की तोता रटंत चलती रहती है। गुण अवगुण के औचित्य अनौचित्य की उपपक्षीय चेतना जिसके मस्तिष्क में रहती है वही यथार्थवादी निर्णय पर पहुंच सकता है और उलझने सुलझा सकता है। अस्तु यह आवश्यक है कि परिवार के हर सदस्य को इतना विचारशील बनाने के लिए अध्ययन, विचार विनिमय एवं तर्क वितर्क कर सकने योग्य मस्तिष्क का निर्माण करने में सहायता दी जाए। जीवन के विस्तृत क्षेत्र में आत्मरक्षा और प्रगति की दृष्टि से ऐसी वैचारिकता नितांत आवश्यक है। परिवार के सदस्यों को यदि ऐसे विचारशीलता उत्पन्न करने के अवसर दिए गए हैं तो समझना चाहिए कि गृहपति ने अपने उत्तरदायित्वों में से एक अति महत्वपूर्ण पक्ष का ठीक तरह निर्वाह कर दिया। प्रतिभाशाली व्यक्तित्व ही मनुष्य की सबसे बड़ी संपदा है। धन दौलत जैसे साधनों में स्थिरता तनिक भी नहीं, यदि हो भी तो भी उतने भर से पेट पालना ही संभव है। मनुष्य पेट तक सीमित नहीं, उसके आगे भी उसमें बहुत कुछ है। इस बहुत कुछ को विकसित करने के लिए प्रतिभा का विकासोन्मुख किया जाना चाहिए। कहना ना होगा कि प्रतिभा सद्गुणों के समन्वय का ही नाम है। आत्मविश्वास को ही प्रतिभा के रूप में प्रकाशवान देखा जा सकता है। आत्मनिरीक्षण, आत्म सुधार, आत्मनिर्माण और आत्मविकास के चार पायों पर आत्मविश्वास अथवा आत्मबल का मचान खड़ा होता है। ऐंठ, अकर, धूर्तता या उच्च श्रृंखल दुस्साहस के ऊंचे तरीके अपनाने वाले उद्दंड व्यक्ति भी कई बार अपने को प्रतिभाशाली मानने लगते हैं, पर बात वैसी है नहीं। धैर्य, साहस, संयम, सदाचार, व्यवस्था, कर्तव्य निष्ठा जैसे सद्गुणों की
मिली जुली धारा ही प्रतिभा बनती है और उसी से मनुष्य प्रभावशाली बनता है। यही प्रभाव दूसरों पर अपनी छाप छोड़ता है और उसी के आधार पर प्रगति के पथ पर बढ़ चलने का पराक्रम उत्पन्न होता है। उत्तराधिकारियों के लिए संपत्ति छोड़ना मरना वस्तुतः उनके लिए स्नेह नहीं वरन द्वेष भरा आचरण है। उससे उनकी उपार्जन प्रतिभा घटती है और उस प्रयास से सूझबूझ में तीक्ष्णता आने का अवसर नष्ट होता है। स्पष्ट है कि बिना परिश्रम के उपलब्ध हराम की कमाई का उपभोग करने वालों के पीछे आलस्य प्रमाद जैसी जड़ता से लेकर व्यसन और अपव्यय जैसी अनेक दुष्प्रवृत्तियां पीछे पड़ती है। व्यक्तित्व जंग लगे निकम्मे लोहे की तरह दिन दिन गलता चला जाता है। आराम से दिन काटना यों सौभाग्य समझा जाता है, पर है वह परले सिरे का दुर्भाग्य, जिसमें संघर्ष न हो, जिसमें पराक्रम और पुरुषार्थ को प्रखर बनाने वाले अवरोध नहीं, भला उस जीवन में भी कोई रस हो सकता है? हम अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य को जीवन संग्राम में बढ़ चढ़कर हाथ दिखा सकने योग्य पराक्रमी योद्धा बनाना चाहिए। इस प्रकार की क्षमता कठिनाइयों से जूझने और स्वावलंबी रीति नीति अपनाने से ही विकसित हो सकती है। वस्तुतः यह प्रतिभा ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसी के सहारे गई गुजरी परिस्थितियों में उत्पन्न हुए व्यक्ति क्रमशः ऊंचे उठे और आगे बढ़े हैं। महामानवों के प्रगतिशील लोगों के जीवन क्रम में यह तथ्य सर्वत्र उभरा पाया जाएगा कि उन्हें संघर्ष में भारी रुचि रही है और परिस्थितियों से जमकर जूझने में उन्होंने प्रबल पुरुषार्थ का परिचय दिया है। दुस्साहस का ही दूसरा नाम उत्कर्ष है। जमीन का पेट चीरकर जब बीज अपनी हस्ती से खिलवाड़ करता हुआ अंकुर बनकर ऊपर उभरता है, तभी उसके वृक्ष बन सकने की संभावना मूर्तिमान होती है। विकासोन्मुख जीवन प्रक्रिया भी इसी प्रकार अंकुरित एवं विकसित होती रही है। सदाचरण की ही तरह प्रबल पुरुषार्थ में और करीनी सुव्यवस्थित जिंदगी में भी समुचित निष्ठा होनी चाहिए, तभी कोई व्यक्तित्व समर्थ और सुविकसित हो सकेगा। परिवार के प्रत्येक सदस्य की मनस्थिति में इन्हीं सद्गुणों के बीज बोए जाने चाहिए। इसका सर्वोत्तम उपाय यही है कि उन गुणों से अपने को अभ्यस्त करें और आए दिन ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करते रहे जिनका अनुकरण करके घर के सभी सदस्यों को उसी मार्ग का अनुगमन, उसी क्रिया का अनुकरण करने की इच्छा उत्पन्न होती रहे। हर सदस्य को उसकी स्थिति के अनुरूप कर्तव्य सोचने चाहिए और उत्तरदायित्व उनके निर्वाह में जहां वे चूकते हों, लड़खड़ाते हों, वहीं आगे बढ़कर उन्हें सहायता देनी चाहिए। यह कार्य बिना झिड़के, बिना खिजे, शांत चित्त और स्नेह शक्ति मन स्थिति से किया जाए तभी सफल हो सकता है। विलासिता, आराम तलवी और फिजूल खर्ची की आदत घर में किसी को भी नहीं पड़ने देनी चाहिए। चुस्ती और स्फूर्ति स्वभाव का अंग बनता चली जाए, कठिनाइयों से जूझने की हिम्मत बढ़ती जाए तो समझना चाहिए कि उत्तराधिकारी को ऐसी संपदा मिल गई जिसके आधार पर वे प्रगतिशील जीवन जी सकेंगे। हंसने हंसाने की, हल्के फुल्के रहने की, स्नेह सद्भाव की, कठोर परिश्रम करने और व्यस्त रहने की आदत अपने घर के लोगों को देकर जो अभिभावक विदा हुए समझना चाहिए उसने अपने पारिवारिक उत्तरदायित्वों का निर्वाह सही रीति से कर दिया और साथ ही एक बड़ी सामाजिक जिम्मेदारी भी पूरी कर डाली।